हाय एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है? अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में हमने क्या देखा है, जो ग्लूकोस है वो कन्वर्ट हुआ है पाइरुवेट में। अब पाइरुवेट में कन्वर्ट होने के कारण क्या यहाँ पर हमें मिला है, हमें यहाँ पर ATP और NADPH मिले हैं। हमें जो पाइरुवेट मिल गया है उसके बाद इसके पास क्या होते हैं, दो ऑप्शन होते हैं। दो ऑप्शन क्या है, या तो ये एरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएगा या तो ये एनएरोबिक रेस्पिरेशन की तरफ जाएगा। एनएरोबिक में क्या है, ऑक्सीजन की एब्सेंस है। एरोबिक में क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। अब एरोबिक रेस्पिरेशन में भी जाएं तो हम लोग इसे कहते हैं फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, एक होता है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अब पहले बात कर लेते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की। यहाँ पर जो हमें ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज से पाइरुवेट बनाया, तो यहाँ पर हमें एक NADPH मिला, ठीक है। उसके बाद पाइरुवेट से हम लोगों ने बनाया लैक्टिक एसिड। अब लैक्टिक एसिड जो बना है उसमें हम लोगों को एक NADPH की ज़रूरत होती है। यहाँ पर हम लोगों ने एक NADPH कंज्यूम करा और NAD+ को रिलीज़ किया, तो यहाँ पर जो NADPH मिला वो हमें ग्लूकोज से जो ग्लाइकोलिसिस के दौरान जो मिला था वो मिला है, और यहाँ पर इसने इस प्रोसेस को बैलेंस आउट कर दिया है। फिर ये NADH जो है अगेन ग्लाइकोलिसिस में जाके इन्वॉल्व होगा ताकि वो NADPH बना सके। अब जो लैक्टिक एसिड बनाने के लिए जो हमारा एंजाइम यूज़ होता है वो होता है लैक्टेज डिहाइड्रोजिनेज। मैं आपको अलग से सारे एंजाइम इसलिए लिखवा रही हूँ क्योंकि UPSC में एक क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें ये पूछा गया है कि जितने भी एंजाइम अभी तक के ग्लाइकोलिसिस से लेके ATP फॉर्मेशन तक यूज़ होते हैं उनका क्लासिफिकेशन कीजिए। सारे क्लासिफिकेशन करने के लिए हमें सारे एंजाइम का पता होना ज़रूरी है। यहाँ पर ये एंजाइम यूज़ हुआ है। सेकेंड थिंग, लैक्टिक एसिड कहाँ होने को मिलता है? नॉर्मली ये बैक्टीरियाज में हमें दिखाई देता है, लेकिन अगर हम लोग देखें, जब आप एक्सेसिव एक्सरसाइज कर लेते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं और मसल्स तक ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाती है, तो वहाँ क्या होता है, लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन होता है, जिसके कारण आपको मसल्स में काफ़ी दर्द होता है। अब आ जाते हैं एरोबिक फर्मेंटेशन में। इसमें क्या होता है, इसमें अगेन ग्लूकोज से हमें जो पाइरुवेट मिला है उससे क्या बनता है, उससे बनता है 2-acetyl aldehyde। अब वो अगेन रिड्यूस होता है किसमें, इथेनॉल में। अब इथेनॉल जो होता है वो 2-carbon कंपाउंड है, ये हम सबको पता है, और पाइरुवेट जो है वो 3-carbon कंपाउंड है। तो यहाँ पर 3-carbon कंपाउंड से 2-carbon कंपाउंड बचा, तो 1-carbon कहाँ गया, तो ये 1-carbon कहाँ से रिलीज हुआ, ये 1-carbon जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन के रिलीज़ हुआ, और इसी के साथ साथ एक वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज़ होता है। अब इस पूरे प्रोसेस में भी एक NADH+ लगता है, वो कहाँ से मिला, वो अगेन हमें ग्लाइकोलिसिस से जो NADPH मिला था वो ही यहाँ पर लगता है, और ये पूरे प्रोसेस को बैलेंस आउट करता है। अगर हम लोग बात करें एनारोबिक की, तो यहाँ पर कोई भी ATP फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। इसका कारण क्या है, less than 7%, 7% से भी कम का जो हमें एनर्जी जो रिलीज़ होती है वो मिलती है, और कई बार वो ATP के फॉर्म में भी नहीं आ पाती है। तो यहाँ पर एनर्जी प्रोडक्शन हम लोग इसे निल मानते हैं, बहुत ही कम होती है जिसे हम लोग नहीं ऑब्जर्व कर सकते हैं, या बहुत ही कम है जिसको हम नामात्र के लिए ही मानते हैं। तो यहाँ पर एनर्जी फॉर्मेशन का कोई काम नहीं है, लेकिन यहाँ पर CO2 का फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है, और काफ़ी इंडस्ट्रीज़ में इसका इस्तेमाल भी होता है। अब यहाँ पर अगर हम लोग एरोबिक की बात करें, तो एरोबिक रेस्पिरेशन में जाने से पहले जो पाइरुवेट है उसको जाना पड़ता है एक प्रोसेस के अंदर, जिसमें क्या होता है, वो पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज के एंजाइम के प्रेजेंस में एसिटाइल कोएंजाइम बनाता है, और क्या बनाता है, एक NADH+। अब ये जो प्रोसेस है,
ये इतनी इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि पाइरूवेट से जो एसिटाइल कोएंजाइम बन रहा है वो इस्तेमाल होता है किसमें? क्रैब्स साइकिल में। क्रैब्स साइकिल में ये इस्तेमाल होता है जिसके कारण आगे फर्दर पूरी प्रोसेस बढ़ती है। तो ये एक स्टेप है जो कि एरोबिक रेस्पिरेशन में जाने से पहले पाइरूवेट कन्वर्ट होता है एसिटाइल कोएंजाइम में। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हम लोगों ने वीडियो में पढ़ा है एरोबिक रेस्पिरेशन और एनारोबिक रेस्पिरेशन की शुरुआत। तो नेक्स्ट वीडियो हमारी होने वाली है क्रैब्स साइकिल पे, और उसके बाद ईटीसी के बाद ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।